सज्जन खुश ना रहे के सज्जन का नाम नहीं है, पहले इन्वॉल्व सज्जन है, नेत्रपाल है, एक बाबा बना हुआ है। देखो गरीब मैं जरूर हूँ मगर अदालती मामलों में जैसे अंसार बनी साहब है या मोहम्मद मलिक साहब है, आप एपी सिंह को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको जो सीमा की जमानत कराई वो हेमंत पारासर नाम के वकील साहब ने कराई, और जो सीमा के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ उस फाइल के ऊपर को मैंने जिस दिन मैंने चेक किया, बच्चे तो उसके फादर को मिलेंगे जी, और सीमा जाएगी जेल। देखो सज्जन खुश ना रहे के सज्जन का नाम नहीं है, पहले इन्वॉल्व सज्जन है, नेत्रपाल है, एक बाबा बना हुआ है, जो इनकी भाभियां जो ढुमके लगा के मेरे बच्चों के नाम पे पैसे कमाते हैं, इनको एक एक पाई का हिसाब देना पड़ेगा कि आपने एक गलत तरीका अपनाया, सिर्फ इधर के बच्चों को आगे ले आना, अपनी मशहूरी बढ़ाना, इनकम बढ़ाना, ये क्या समझ रहे थे हम लावारिस हैं? ये देखो गरीब मैं जरूर हूँ मगर अदालती मामलों में जैसे अंसार बनी साहब है या मोहम्मद मलिक साहब है, आप हम दिन रात जद्दोजहद किस लिए कर रहे हैं? मेरे नींदे उड़े हुए हैं कि मेरे बच्चे मेरे से दूर हैं, लगते जिगर घर से बाहर हैं, किस मुसीबत में है और किस मुश्किल का जो है सामना करना पड़ता है। एपी सिंह को मैं कहना चाहता हूँ कि आपको कानूनी हिसाब से एक एक का हिसाब देना पड़ेगा। हमें इंडिया के लोगों से पूरा एतमाद है, बहुत सारे अच्छे हैं, बहन भाई हैं, जो लोग हैं चाहने वाले, प्यार करने वाले, इंसानियत को जिंदा करने के लिए अब भी लोग हैं, इंसानियत जिंदा है शायद भाई, कानून है, कानून से बढ़कर हम भी नहीं है, वो भी नहीं है। जो अदालत का फैसला होगा वो सर आंखों पे मंजूर है, कौन सच और कौन गलत ये तो अदालत तय करेगा ना, वो कौन होता है एपी सिंह फैसला लेने वाला जो, या सीमा कौन होता है? जो भी मसले हैं अदालत पे हमें पूरा विश्वास है, मोदी जी है, योगी जी है, जो भी अदालतों से जो वकील साहब होंगे, जज साहब होंगे, हमें पूरा इत्माद है और मैं पुरसकून हूँ, फैसला मेरे हक में है, गलती मेरे से, उन्होंने पूरा जो है ना नाइंसाफी मेरे साथ किया हुआ, मैं मजलूम बाब हूँ। बिल्कुल, तो जो सीमा हैदर ने किया है वो सीमा हैदर सचिन के नाम का सिंदूर अपने माथे पर लगा करके और सोशल मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक एंड प्रिंट मीडिया के माध्यम से ये कह रही है कि मैं सचिन की वाइफ हूँ जी, जबकि उसके पासपोर्ट के दो पासपोर्ट उससे रिकवरी हुए जब वो अरेस्ट हुई थी, तो दोनों पासपोर्ट के अंदर उसके पति का नाम गुलाम हैदर लिखा हुआ है। जो आधार कार्ड, ये जो पाकिस्तानी आधार कार्ड नेशनल आइडेंटिटी कार्ड होता है NIC, उसके अंदर उसके पति का नाम जो है गुलाम हैदर लिखा हुआ है। जो वीजा उसने नेपाल का लिया, वीजा के अंदर भी उसके पति का नाम गुलाम हैदर लिखा हुआ है। उसके बच्चों के जो पासपोर्ट रिकवरी है उसके अंदर भी गुलाम हैदर का नाम लिखा हुआ है, और इवन जो उसने पकड़े जाने FIR के अंदर भी उसका उसने अपना पुलिस को नाम गुलाम हैदर की वाइफ बताया है, और जो उसने बेल एप्लीकेशन जेवर कोर्ट के अंदर फाइल की उसके अंदर भी गुलाम हैदर की वाइफ अपने आप को बताया, और जो जमानत पे जो ऑर्डर हुए ऑनरेबल कोर्ट जेवर के 7/7/2023 को, उसके अंदर भी उस जो सीमा हैदर वाइफ ऑफ गुलाम हैदर लिखा हुआ है, तो किस आधार पर वो कह रही है कि बिना तलाक लिए ना पाकिस्तान में तलाक हुआ ना भारत में तलाक हुआ है, किस आधार पर वो कह रही है कि मैं सचिन की वाइफ हूँ? तो उसके पति ने उसको 3 करोड़ रुपए नोटिस भेजा है कि आप किस आधार पर उसके नाम का सिंदूर लगा रही है और ये कह रही है कि मैं उसकी वाइफ हूँ, जबकि आपका आज तक कोई तलाक नहीं हुआ और ना मैंने कोई तलाक दिया, और दूसरी बात आप कैसे मेरे बच्चों का धर्म चेंज करा रही है इनके साथ मिल सचिन वगैरह के डॉक्टर एपी सिंह के साथ मिलके और इन लोगों के साथ मिलकर कैसे आप धर्म चेंज करा रही है, जबकि मेरे बच्चे बायोलॉजिकल मेरे बच्चे हैं और बाई बर्थ मुस्लिम समाज से हैं। वकील साहब धर्मांतरण का क्या मामला है, किसने धर्मांतरण कराया, किसका धर्मांतरण हुआ? यूपी सरकार एक धर्मांतरण विरोध कानून एक लेकर आई थी 2021 में जी, धर्मांतरण विधि विरोध नियोजन कानून एक लेकर आई थी, उसके तहत महिलाओं का, बच्चों का, SC ST समाज का कोई भी जबरन मिसगाइड करके, प्रलोभन दे करके, अपने बस में करके, सपने दिखा करके, कोई भी नाजायज तौर से अगर धर्मांतरण किसी का कराएगा, धर्म को चेंज करेगा, तो 15,000 से 50,000 तक का जुर्माना, 3 साल से 10 साल तक की कैद होगी जी, और उसके अंदर 427 FIR उत्तर प्रदेश के अंदर आज तक दर्ज हुई, 827 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई, मुस्लिम समाज के बड़े बड़े स्कॉलर्स को अरेस्ट किया गया। तो आज उन बच्चों का जो धर्म चेंज किया जा रहा है वो क्यों किया जा रहा है जी, कानून तो सबके लिए बराबर है जी। और ऐसे ही हरियाणा प्रदेश के अंदर, हरियाणा प्रदेश भी एक कानून लेके आई कि कोई किसी का इस प्रकार धर्म चेंज नहीं कर सकता, और नाबालिग बच्चों का तो बिना फादर की कंसेंट के धर्म चेंज हो ही नहीं सकता, तो किस आधार पर धर्म चेंज किया जा रहा है?
इसलिए उसको 3 करोड़ का नोटिस है। वकील साहब, आप कानून के बड़े अच्छे जानकार हैं, दिन रात आपका सामना होता रहता है इस तरह के केसेस में, तो थोड़ा सा इस बारे में बताएं कि जिस तरीके से सीमा हैदर पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत में आई और यहाँ पर गैर कानूनी तरीके से सचिन के साथ रह रही है बिना अपने पाकिस्तानी पति को तलाक दिए, तो सारा मामला क्या बनता है, कानून क्या कहता है इस मामले में, कानूनी पक्ष क्या है? देखिए, सेक्शन 14 फॉरनर्स एक्ट 1946 ये कहता है कि भारत की सीमाओं के अंदर उस देश को छोड़कर के जिसके साथ संधि हो चुकी है कोई भी नागरिक भारत की सीमा में आएगा तो उसको वीजा लेके आएगा। अगर वो बिना वीजा के भारत में आता है, सेक्शन 14 वहां पर अप्लाई एप्लीकेबल है जी। तो जैसे नेपाल के साथ संधि है तो नेपाल के लोग आ जा सकते हैं, उनको वीजा की जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ ये संधि नहीं है तो वहां का कोई भी नागरिक आएगा तो वो वीजा लेके वैलिड वीजा लेके आएगा, हमारा भारतीय दूतावास इस्लामाबाद में स्थित है वहां आवेदन करेगा और वो उनका इंटरव्यू लेंगे, उसके बाद उसको वीजा ग्रांट करेंगे, तब जाकर के वो भारत में आएगा। ऐसे कोई भी अगर नेपाल के रास्ते से, बर्मा के रास्ते से, श्रीलंका के रास्ते से या समुद्र के रास्ते से, इस रास्ते से कोई भी भारत में एंट्री करेगा तो सेक्शन 14 उस पर इंपोज होगा, उसको 5 साल की कैद होगी। तो सीमा और सचिन के जो वकील हैं उनके खिलाफ भी कोई नोटिस भेजा गया है, उनसे भी कुछ सवाल पूछे गए? देखिए, जो सीमा की जमानत कराई वो हेमंत पारासर नाम के वकील साहब ने कराई, और जो सीमा के ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ उस फाइल के ऊपर को मैंने जहां जब जिस दिन मैंने चेक किया 19 और 20 तारीख फरवरी को, तब तक उनके वकील का कोई मुकदमनामा उसके इस फाइल पे नहीं था, लेकिन फिर भी चलो वो अपने आप को वकील कहते हैं, उनके कोई बात नहीं। उन वकील को हक है कि किसी के घर जाकर के किसी बच्चों का धर्म चेंज कराना, किसी वकील को ऐसा हक है? जबकि हम एडवोकेट एक्ट में बाउंड है, हमारा काम है कोर्ट में केस लड़ना, किसी का धर्म चेंज कराना हमारे उसमें नहीं है, तो आप धर्म चेंज क्यों करा रहे हो? आप किसी की लीगल वाइफ को, आप पत्रकार को धमका रहे हो कि सीमा को सीमा सचिन मीना बोलिए, सीमा सचिन मीना बोलिए, किस आधार पर? जबकि उसका डिवोर्स नहीं हुआ, आप तो वकील हैं, आपको तो डिवोर्स की डिग्री देखनी चाहिए। आप पब्लिकली स्टेटमेंट सारी दुनिया के सामने, सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और आप सबके सामने ये बात कह रहे हैं, तो इसलिए उनको 5 करोड़ का जो है नोटिस दिया गया। आप बताइए किस आधार पर कह रहे हैं, दिखाइए वो डिवोर्स की डिग्री जी। तो अभी फिलहाल सीमा का तलाक गुलाम हैदर से नहीं हुआ है, तो ऐसी स्थिति में सीमा जो सचिन के साथ रह रही है उसको क्या कानूनी कहेंगे? इलीगल फ्रेंड है उसका जी, और इलीगल उसको कहेंगे कि इलीगल तरीके से रह रही है, कानून की नजरों में उसका कोई औचित्य नहीं है जी, वो इलीगल तरीके से रह रही है, उसका इलीगल फ्रेंड है, इसकी कानून के अंदर जो है यही बस है। तो आपके जरिए जो उनके पाकिस्तानी पति है गुलाम हैदर, सीमा और सचिन से क्या क्या सवाल पूछेंगे? सीमा और सचिन से सवाल तो कोई, हम तो कानून के तरीके से अपना काम कर रहे हैं। नोटिस तो भेजा गया है, नोटिस हमने बताया है कि आप किस आधार पर जो है उसको, सीमा से हमने कहा आप किस आधार, आपने हमारी हस्ती खेलती फैमिली को तबाह कर दिया, आपके अच्छे भविष्य के लिए मैं वहां पर सऊदी अरब में कमाने के लिए गया हुआ था, वहां से लगातार आपको जो है मैं पैसे भेज रहा था, उसके बावजूद आप किस आधार पर जो है सचिन के नाम का अपने माथे पे सिंदूर लगा रही है, जबकि आपका और आपका गुलाम हैदर का और उसकी वाइफ सीमा हैदर का कोई तलाक नहीं हुआ आज तक जी, और आप खुद अपनी जमानत याचिका के अंदर कह रही हैं कि मैं उसकी वाइफ हूँ। इस मामले में फर्दर कार्रवाई क्या बनती है, सीमा का क्या होगा, उसके बच्चों का क्या होगा, क्या पाकिस्तान वापस जाएंगे या भारत में केस चलेगा, सजा बच्चे तो उसके फादर को मिलेंगे जी, और सीमा जाएगी जेल, उसको कराएंगे 5 साल की सजा उनके पिता की ओर से।